YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों, आप एक सीएससी वेली हैं और अपना आप आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, आपको आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ आपको गूगल सर्च में सीएससी रजिस्ट्रेशन टाइप करके सर्च कर लेना है। देखिए, यहाँ पर मैं सीएससी रजिस्ट्रेशन टाइप करके सर्च कर लिया हूँ। सर्च करते ही आपको पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ सीएससी रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए आपको माय अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है लॉग इन टू योर अकाउंट। यहाँ पर आप अपना अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे सीएससी आईडी मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको फिंगर प्रिंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कैप्चा को फिल करके यहाँ बॉक्स पे टिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको फिंगर स्कैनर डिवाइस को लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों, मैं फिंगर स्कैनर डिवाइस को लगा दिया हूँ। उसके बाद चलिए हम सभी को फिल करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों, मैं सभी को फिल करके बॉक्स पे टिक कर दिया हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है, आपको यहाँ वेट करना है। देखिए, इस प्रकार का पेज खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको टिक करके स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए बॉक्स पे टिक कर दिए। टिक करने के बाद यहाँ आपको स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे। इसका स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते ही आपके फिंगर स्कैनर डिवाइस में लाइट जल जाएगा, तो आपको अपना फिंगर लगा लेना है। तो चलिए हम अपना फिंगर लगा लेते हैं। फिंगर लगाते ही देखिए दोस्तों, मेरा ये लॉगिन हो चुका है, मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। यहाँ आप डैशबोर्ड में देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको आईडी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं, देखिए आपका आईडी कार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेरा आईडी कार्ड ओपन हो चुका है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, यहाँ बैकग्राउंड ग्राफिक्स इसको टिक कर देंगे। टिक करते ही मेरा फुल आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा। देखिए, मेरा फुल आईडी कार्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड को प्रिंट कर लेना है। यहाँ डायरेक्ट आपको प्रिंट आउट में ले जाएगा, तो आपको अपना आईडी कार्ड को प्रिंट कर लेना है और इसे आपको रख लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से एक सीएससी वेली अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं पहचान के लिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।